भाई एवरीथिंग इज क्लियर, आ जाइए। ये हैं उदय शेट्टी, संजना के भाई। बनना चाहते थे एक्टर, बन गए गैंगस्टर। लेकिन आज भी जब ये आईना देखते हैं तो इनके अंदर का एक्टर जाग उठता है। बस इनका एक ही सपना है, इनकी बहन संजना की शादी किसी शरीफ खानदान में हो जाए। लेकिन भला कोई भी शरीफ लड़का डॉन की बहन से क्यों शादी करेगा? इसीलिए शरीफों के साथ रिश्ते की बात करने का इनका अपना स्टाइल है। देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। इतना रुतबा ही शर्म है कि किसी भी घर में अगर रिश्ता बनाना चाहूं तो कोई ना नहीं कह सकता। बस एक अच्छा खानदान चाहिए, एक शरीफ ने एक लड़का चाहिए। लेकिन पंडित जी कुछ खुलकर हमें आपके बिजनेस के बारे में नहीं बता सके। आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया? क्या बताता? संजना एयरवेज। हाँ हाँ, संजना एयरलाइंस। संजना टेक्सटाइल्स। हाँ, संजना टेक्सटाइल्स। काफी फैला हुआ बिजनेस है, बहुत एस्टैब्लिश है। अभी तो सभी कारोबार फोन पर ही चलता है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रहा है सर, एक नहीं दो दो, सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये पार्टी भी नहीं सर, बहुत बड़ी खुशखबरी है सर, आपके तो एक फोन ने काम कर दिया सर। वो जो धनसुख ज्वेलर का मर्डर केस पर चल रहा था ना सर, वो खत्म हो गया सर। गवाह भी जान गया सर कि अगर उसने आपके खिलाफ गवाही दी तो आप उसके पूरे खानदान को हटा डालेंगे। और बिल्डर ने भी पुलिस कंप्लेंट वापस ले ली है, सेटलमेंट करना चाहता है सर। सर 2 करोड़ रुपए तो दे दिए हैं, बाकी के 3 करोड़ कल कोर्ट में देने वाला है सर। ये लोग कौन थे सर जो चले गए? जा पूछ के। संजना बेबी का रिश्ता लेके आए थे। अरे कहाँ से आए थे, घेर घार कर मुंबई से बुलवाया था, 100 झूठ बुलवाए थे तुमसे जी। भला इस शहर में ऐसा कौन सा अच्छा खानदान बचा है जिसने हाथ पर जोड़कर हमसे इनकार न किया हो? सॉरी सॉरी सर, मैं तो एक्साइटमेंट में आकर। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। ए वल्लू बता 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 इसे बता, मुझे गुस्सा आता है तो क्या होता है बता इसे। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस 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 हो गया। अब बता क्या करूँ तेरा। मैंने तो सोचा कि दो दो गुड न्यूज़ मैं आपको दूंगा तो आप मेरी तब Ladies and gentlemen, this famous painting was painted in 1995 by Sumi Chatterjee and we start the bid at $50,000. So can I have $51,000? Can we? $51,000, $52,000, $55,000, perfect, $60,000, $65,000, $70,000. Anybody else? Okay, the painting is going for $70,000. This was bid number 13. And now, ladies and gentlemen, I present the last painting of the day, Oil on Canvas by Ahmed Raza. A very world-renowned artist, as you all know. And the name is Burning Desire. कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, फ्रीज। भाई साहब क्या हो रहा है? देख नहीं रहा, हमारे भाई फोटो बना रहे। भाई अरे भाई साहब, ये कोई तरीका है क्या एक्सीडेंट करवा के पेंटिंग बनाने का? कौन है आपका पागल भाई? सॉरी 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 सॉरी। अरे बाप रे, ये तो मजनू भाई है। कौन मजनू भाई? बहुत बड़ा डॉन है भाई।
बहुत लकी है तू। जिस दिन मैं ब्रश उठाता हूँ गन नहीं उठाता, वरना गया था आज तू। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि गाड़ियों का एक्सीडेंट कराने की क्या जरूरत थी, जबकि पेंटिंग एक इमेजिनेशन का काम है। फालतू पेंटर बनाते होंगे, मैं तो डायरेक्ट बनाता हूँ, आंखों देखा। इंग्लिश में बोले तो लाइव पेंटिंग। पिछले हफ्ते पुल पर लोगों को रोक रोक कर पूछ रहा था तैरना आता है, जिसने हाँ कह दिया उसको उठा के नीचे फेंक दिया। तैरते हुए आदमी की तस्वीर बनानी थी ना भाई को। मजनू, तो कमती हो जाएगा। हमारे भाई की फोटो खराब हुई ना तो तेरे बीवी बच्चे रोते नजर आएंगे। इसके बीवी बच्चे नहीं है, ये लोग भी है। हाँ, इसकी शादी नहीं हुई अब तक। हाँ तो शादी करनी है नहीं करनी? हद हो गई है गुंडागर्दी की, कार्टून बना के खड़ा कर दिया शरीफ लोगों को। फिसल रहा हूं मैं। शरीफ शाणे की कुंडली चाहिए मेरे को इमीडिएटली। सर प्लीज, अब तो माफ कर दो, और कितने दिन दौड़ोगे? क्या उदय भाई, कब से फोन लगा रह रहा हूँ और आप क्या अंबानी को बंद करके बैठे ले हो? आज मैंने एफएम हुसैन का गेम बजा डाला। हा? भाई उधर देखो उधर। लगता है इंडिया वाली पार्टी भी भाग गई। भाई हा? एक बात पूछूं? ना पूछ। ये संजना आपकी सगी बहन है? सगी से भी बढ़कर है। हाँ वो तो है, लेकिन सगी सगी है। मैं ऐसा काला कलूटा वो गोरी चिट्टी इसलिए पूछ रहा है ना, शंकर शेट्टी दो शादी किया मेरा बाप। हाँ बाबा की तो दो शादी हुई थी, लेकिन अपनी संजना की एक भी नहीं हो रही। एक भी मतलब एक ही करनी है? हाँ वही तो, एक भी तो नहीं हो रही, लेकिन अभी हो जाएगी। आपके प्रॉब्लम का सॉल्व मेरी उस पेंटिंग में। हाँ, वो लड़के को देख रहे हो? कहाँ है लड़का? अरे वही जो बॉनेट के ऊपर बैठा है। बॉनेट कहाँ है? लड़के के नीचे है। हाँ। लड़का एकदम शरीफ है, शरीफ। ये शरीफ लोग बहुत बदमाश होते हैं, शराफत की जुबान नहीं समझते। हाँ इसीलिए तो। अब ये मैटर मैं खुद सॉल्व करूंगा, लड़के की कुंडली कल तक मिल जाएगी, और इस शरीफ शाने के घर वालों से मैं अपने स्टाइल में बात करूंगा। आप बीच में मत पड़ना। हाँ तो फिर हो गई शादी। चल। जब से बुटीक खोला है एक बार भी हिसाब नहीं दिया तुमने। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ बस। जाओ, मैं जब भी हिसाब किताब की बात करता हूँ तुम्हें ब्यूटी पार्लर की याद आती है। उड़ाओ मेरा पैसा। हेलो। और गंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। और हम पर थोड़े छींटे नहीं गिराओगे? चार खोखे जल्दी से ढीले करो। अरे भाई ये बुटीक है, यहाँ पे लेडीज ड्रेस मिलते हैं, खोखे बोखे नहीं मिलते। अबे बिना भेजे की खोपड़ी, खोखे का मतलब करोड़ करोड़। अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़, और वो भी चार। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। जानता है ना तू किससे बात कर रहा है? मजनू भाई, मजनू भाई। नाम सुना है ना मेरा? हाँ सुना है ना, तूने तो अभी दो बार बताया। मजनू भाई बोल रहा हूँ, मजनू भाई। तो मैं क्या करूँ रे? अबे ओ शाने पागल हो गया क्या तू? लगता है तेरा गेम बजाना ही पड़ेगा। अरे मैं हफ्ता मांग रहा हूँ हफ्ता, इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन मनी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुझे प्रोटेक्शन चाहिए। एक काम कर, तू चार खोखे लेकर, मैं तुझे प्रोटेक्शन देता हूँ, और अगर चार जूते खाने हो तो दोबारा फोन करना। तेरे को भी मजनू से लैला नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी डॉक्टर घुंगरू नहीं। चल फोन रख। यार ये तो मेरी मां है यार। ए, चलो काम बंद करो। ए, चल गए, चल। ये क्या हो रहा है? हमारे मजनू भाई को तू लैला बनाएगा? निकाल ए घाघरा, निकाल वहां से, निकाल। ए तू चुन्नी निकाल, निकाल निकाल जल्दी निकाल। अब तो लग रही है बराबर लैला, काली पीली नीली। चलो ले चलो इसे। मजनू भाई,
मजनू भाई गलती हो गई, मुझे लगा मेरे साथ कोई फोन पर मस्ती कर रहा है। सच अगर मुझे पता होता कि आप फोन पर है तो मैं क्या ऐसे बोलता? तो क्या बोलता? ये क्या है बे? अबे तो क्या समझता मुझे? हाँ भाई, भाई आप ठीक हैं? ये मेरी प्रॉब्लम है। ये तेरे अकेले की नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। वैसे भी आजकल साली तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। अबे सुन, बिना सिग्नल के मोबाइल। सुन रहा हूँ भाई, बोलिए। कल तक मुझे 5 खोके चाहिए, समझा? भाई भाई आपने फोन पे तो 4 खोके बोले थे ना। वो फोन पर बोला था, अब भाई खुद चल के आए गाड़ी में तो पेट्रोल का खर्चा के तेरा बाप देगा? 1 करोड़ का पेट्रोल भाई? ठीक है ठीक है, अच्छा है भाई ने रास्ते में नाश्ता पानी नहीं किया, नहीं तो 6 खोखे हो जाते। हाँ 6 ही हो जाएगा। कल शाम के 5 बजे तक अगर तूने 5 खोखा नहीं पहुंचाया तो तेरी 3 की फैमिली 6 हो जाएगी, समझा देना इसको। समझा, 3 का 6 कैसे होता? अरे 3 लोगों का फैमिली है, तीनों को बीच में से काटेंगे तो कितने होंगे? 6 होंगे ना, चलो रे।